डियर फ्रेंड्स, अपना किचन आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन दबाइए, बाजू में बेल बटन भी वो भी दबा के रखिए। थैंक्स अ लॉट। भाइयों बहनों, आज हम बनाएंगे बासुंदी। इसे बनाने के लिए 1.5 लीटर फुल क्रीम मिल्क रखी हूँ और बारीक काट के ड्राई फ्रूट्स रेडी रखी हूँ। 10 काजू, 10 बादाम, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 5 पिस्ता, सैफ्रॉन। दूध गर्म होने के लिए लो फ्लेम में मैंने रख दिया। इस छोटा बाउल भर के शक्कर ली हूँ, इसे हम लास्ट में मिलाएंगे। दूध अभी गर्म होने लगा, लो फ्लेम में रखे हम करेंगे। और दूध गर्म होने के लिए जो बर्तन आप लेंगे उसका बेस जो है वो जाड़ा होना चाहिए। और इस बर्तन के ऊपर एक वुडन स्पून हम रख देंगे, इससे क्या होगा, दूध एकदम ओवरफ्लो नहीं होगा, नीचे नहीं गिरेगी, अच्छी तरह से स्पून से हम चलाते रहेंगे। जो भी साइड में मलाई जमा हो रहा है उसे निकाल के हम दूध के साथ मिलाते जाएंगे। दोबारा रख देंगे वुडन स्पून, आपको टेंशन नहीं होगा नीचे गिरेगा करके। बासुंदी बनाने के लिए थोड़ा सा धीरज चाहिए, लेकिन बनने के बाद ही बहुत ही हैप्पी फील करेंगे आप। देखिए इतना मलाई जमा हुआ है, दोबारा निकाल के हम ऐड करते जाएंगे दूध के साथ। ये बाजू में खड़े होके करना पड़ेगा। अभी देखिए आधा से ज़्यादा दूध एकदम कम हो गया है, यानी 750 ml तक आ गया। अभी अच्छी तरह से साइड का निकाल के आप ऐड करते जाइए। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स जो काट के हम रखे हैं उसे मिलाएंगे। काजू, बादाम, पिस्ता, सैफ्रॉन, इलायची पाउडर। सैफ्रॉन डालने से अच्छा कलर आएगा। अब इसे और पका के लेंगे। बासुंदी के बारे में जितना भी मैं बोलूँगी उतना ही कम पड़ेगा, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी ये। स्पून से चलाते रहेंगे हम। ये ड्रॉप भी आप वेस्ट नहीं करेंगे। अब इसमें हम शक्कर मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करके उबाल आने देंगे। अभी सैफ्रॉन का कलर भी आया है बासुंदी में, अच्छा येलो कलर निकला है। देखिए गाढ़ा होने का शुरू हो गया है, जितना गाढ़ा बनेगी उतना अच्छा रहेगा। अभी लास्ट उबाल बॉईल आने लगा, अब गैस बंद कर देंगे हम। साइड में 1/2 आवर एकदम अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। अब देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छी स्ट्रक्चर के साथ बासुंदी हमारी बनी है। देखिए बहुत ही अच्छा गाढ़ा बनी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए आपके सामने परफेक्ट बनी है।
इसे हम एक ग्लास बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। ठंडा होने के बाद, अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद ग्लास बाउल में लेके हम फ्रिज में रखेंगे। फॉइल पेपर से पैक करेंगे। पैक करके फ्रिज में मिनिमम 2 आवर्स रख के हम सर्व कर सकते हैं। ठंडा ठंडा खाने में मज़ा आएगा, बहुत ही स्वादिष्ट रहेगा। भाइयों बहनों ज़रूर बनाइए ये रेसिपी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू।